Good morning, students. So today we are going to start this session, genetic code. So from the NCERT, I have attached the pages and will be showing you those pages and trying to explain to you those pages about genetic code. Then there will be a checkerboard of genetic code that you will be knowing that एक genetic code एक triplet की तरह होता है, तीन लेटर का बना हुआ होता है और वो जेनेटिक कोड जो है वो आपको एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है. तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में. देन उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि म्यूटेशंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट लेंगे कि व्हाट इज म्यूटेशन. एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टू गेट नॉलेज अबाउट ट्रांसलेशन. सो ये तीन टॉपिक हमारे रहेंगे. फोकस हमारा फर्स्टली जेनेटिक कोड पे रहेगा और म्यूटेशन पे रहेगा. तो आई वांट टू मींस स्टार्ट द सेशन एज सून एज फ्यू स्टूडेंट्स विल जॉइन इन दिस लाइव क्लास. So I'm going to share first screen with you all. That is the definition of genetic code and the introduction about genetic code. Good morning, ma'am. Good morning. So this is the genetic code which you are able to see. Can you able to see the screen? Yes. This is the topic genetic code. Are you all able to see the screen? I have shared the screen.
ये आपको सबको विजिबल है, जेनेटिक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्रीन दिख रही है। यस अच्छा, मैम। इसमें दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है जेनेटिक कोड का। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। हमें पता है रेप्लिकेशन में भी और ट्रांसक्रिप्शन में भी एक न्यूक्लिक एसिड को कॉपी किया गया था दूसरी तरह के न्यूक्लिक एसिड में। जैसे रेप्लिकेशन में तो डीएनए से ही डीएनए बना था और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बना था। हेंस दीज प्रोसेसेस आर इजी टू कंसेप्चुलाइज ऑन बेसिस ऑफ कंप्लीमेंटारिटी। और इनकी बेसिस बहुत इजी थे, या इनका जो रिलेशन था वो बहुत इजी था। क्यों कॉन्सेप्ट इजी था? क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी इनमें थी, क्योंकि एक तरह का न्यूक्लियोटाइड ही दूसरे तरह के न्यूक्लियोटाइड में बदल रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल यहाँ लग रहा था। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। जबकि जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर यानी डीएनए से पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स में यानी प्रोटीन्स में। तो यहाँ पर डिफरेंट बात है। यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट अगर आपका न्यूक्लिक एसिड है तो प्रोडक्ट प्रोटीन्स बन रहा है। उन दोनों में कोई कंप्लीमेंटैरिटी नहीं है। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं और डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। तो इस तरीके से इनमें कोई भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होती। तो इसके लिए इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी को एग्जिस्ट नहीं करने है, फिर भी बनाने तो हैं, फिर भी ट्रांसलेशन तो होना है, तो कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटीरियल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। पर फिर भी ये देखा गया कि जब भी जेनेटिक मटेरियल में कोई ना कोई चेंज आता था तो उसकी वजह से प्रोटीन में भी चेंज आता था। यानी कि अगर कोई म्यूटेशन होती थी जहां पर जेनेटिक मटेरियल बदलता था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड भी बदल जाता था। तो इस वजह से दिस लीड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड। इसकी वजह से ऐसा प्रपोज किया गया, ऐसी कॉन्सेप्ट दिया गया कि जेनेटिक कोड नाम की कोई चीज होती है। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी उन न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट में एक ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली अमाइनो एसिड को में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर जो कि डायरेक्टली अमाइनो एसिड्स को बनाती है। यानी पर्टिकुलर बेस पेयर का सेट, पर्टिकुलर बेस पेयर का सेट, और वो भी तीन बेस पेयर का सेट, ट्रिपलेट ऑफ द बेस पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर और सिंगल अमाइनो एसिड। तो ये प्रपोज किया गया जेनेटिक कोड में कि जेनेटिक कोड एक ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करती है प्रोटीन्स में। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्साइटिंग, द प्रपोजिशन एंड डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो जहां पर डिटरमाइन करना बायोकेमिकल नेचर जेनेटिक मटेरियल का और डीएनए का स्ट्रक्चर, ये भी तो डिस्कवरीज ही थी। डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, बायोकेमिकल नेचर डिस्कवर हुआ कि वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। तो ऐसे ही जेनेटिक कोड का भी डिस्कवरी एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज थी, और उसका मीनिंग जानना भी। डिसाइफरिंग मतलब होता है टू नो द मीनिंग, तो मीनिंग जानना भी जेनेटिक कोड का, कि कौन सा ट्रिपल लेटर कौन से अमीनो एसिड को कोड करेगा, वो भी एक चैलेंज था। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट। और इस प्रोसेस के लिए, जेनेटिक कोड को जानने के लिए, बहुत तरह के साइंटिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी थी। अलग अलग बैकग्राउंड के साइंटिस्ट
यहाँ पर ने साथ मिलकर काम किया तब जाके जेनेटिक कोड को जान पाए. इट वॉज जॉर्ज गैमो अ फिजिसिस्ट हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर. जॉर्ज गैमो नाम के फिजिसिस्ट ने, वो फिजिसिस्ट था, उसने ये स्टेटमेंट बोली या उसने ये पॉइंट रखा कि हमें पता है नाइट्रोजन बेसिस तो सिर्फ 4 हैं, यानी अगर उनको अमाइनो एसिड्स को कोड करना है जो कि अमाइनो एसिड्स 20 हैं, तो उनको किस तरीके से वो 4 बेस पेयर्स 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं, ये उन्हें पता करना था कि क्या प्रोसेस ऐसी हो सकती है या क्या ऐसा कॉन्सेप्ट लग सकता है जिससे कि 4 अमाइनो एसिड्स, सॉरी 4 न्यूक्लियोटाइड्स आपके अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस को, प्रोटीन्स को कोड कर पाएंगे. जॉर्ज गैमो ने ये बोला. तो अब देखना है कि क्या उनका पॉइंट था और कैसे उन्होंने फिर निकाला के, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं. ये देख पा रहे हो आप, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. तो ये पता करना था उनको कि 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स कैसे, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को कैसे कोड करते हैं. इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग. अच्छा, ये वही पैराग्राफ है. इट वाज जॉर्ज गैमो, फिजिसिस्ट, हु आर्ग्यूड दैट सिंस, हम फिफ्थ लाइन पे पढ़ रहे हैं, फिफ्थ सिक्स लाइन पे, कि जॉर्ज गैमो वाली लाइन ही पढ़ रहे हैं दोबारा से. इट वाज जॉर्ज गैमो, फिजिसिस्ट, हु आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. तो अगर 4 बेसिस को 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना है तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें एक बेस तो एक अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 अमाइनो एसिड नहीं है, टोटल अमाइनो एसिड कितने 20, तो उसका कॉम्बिनेशन लगेगा, बेसिस का कॉम्बिनेशन लगेगा कोड करने के लिए. 20 आपको डिफरेंट 20 बनाने हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने, 20 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने जिससे एटलीस्ट 20 अमाइनो एसिड्स तो कोड हो. तो ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. उसने ये बोला जॉर्ज गैमो ने कि 3 के कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम अरेंज करें तभी पॉसिबल है कि 20 अमाइनो एसिड्स कोड हो सकते हैं. देयर वाज अ बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to the power 3 4 टू द पावर 3 का ही कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसका आंसर होगा 64. 4 × 4 × 4 64 कोड ऐसे बन जाएंगे जिनसे जिनसे इतने कोडोन्स बन जाएंगे कि वो 20 क्या कि वो 64 कोड्स हैं. तो मतलब उन्होंने 64 कॉम्बिनेशन ऐसी बना ली जिससे बहुत आराम से 20 अमीनो एसिड्स कोड हो सकते हैं. अब खुद हम समझ सकते हैं कि जब 64 अमाइनो एसिड के मींस अमाइनो एसिड टोटल 20 हैं और कोड 64 बन रहे हैं, तो फिर इससे सीधी सी बात ये है कि कई सारे कोड्स ऐसे भी होंगे जो सेम अमाइनो एसिड्स बनाएंगे. ठीक है, यानी कि कई सारे कॉम्बिनेशंस एक ही अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे क्योंकि नंबर कोड्स का बहुत ज्यादा है, 64 कोडोन्स हैं और अमाइनो एसिड कितने हैं, सिर्फ 20, तो मोर देन है, देयर कोड्स आर जनरेटिंग मोर देन कोडोन्स देन रिक्वायर्ड्स. ऐसी कॉम्बिनेशन ने ज्यादा कोडोन्स बना दिए जितने जरूरी थे. प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज ट्रिपलेट वाज अ मोर डॉन्टिंग टास्क. और कोडोन ट्रिपलेट ही होना चाहिए, इसका प्रूफ किसने करा, इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दी, इन्होंने बोल तो दिया कि कोडोन ट्रिपलेट है क्योंकि 64 कोड्स बन रहे हैं. बट उसको प्रूफ करना, हर चीज को साइंस में प्रूफ करना जरूरी होता है. कुछ भी स्टेटमेंट कोई साइंटिस्ट दे दे, एक वाइल्ड गेस लगा दे, पर जब तक वो गेस पूरा कह सकते हैं वैल्यूज के साथ रिजल्ट नहीं देता, जब तक वो प्रूफ नहीं होता, तो प्रूफ करना जरूरी है. तो हरगोविंद खुराना नाम के साइंटिस्ट ने केमिकल मेथड डेवलप किया
इसको प्रूफ करने के लिए कि कोड ट्रिपलेट ही होता है और एक ट्रिपल लेटर का न्यूक्लियोटाइड का कोड एक अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हरगोविंद खुराना ने बताया। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग वो केमिकल मेथड क्या करता था, सिंथेसाइज करता था आरएनए मॉलिक्यूल्स को विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस। वो आरएनए मॉलिक्यूल्स बना रहा था और वो डिफाइंड कॉम्बिनेशंस के आरएनए मॉलिक्यूल्स बना रहा था ऑफ द बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस को यूज कर करके, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। ठीक है, यानी कि होमोपॉलीमर्स यानी कि सेम बेसिस का कॉम्बिनेशन, जैसे ट्रिपल यू, ट्रिपल ए, ट्रिपल टी, ट्रिपल टी तो आएगा नहीं, ट्रिपल यू, ट्रिपल जी, ट्रिपल ए, ट्रिपल सी, क्योंकि टी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, थायमिन नहीं आएगा, उसकी जगह यूरैसिल आएगा। और को पॉलीमर्स मतलब डबल के सेट में, जैसे कि डबल यू ए, डबल सी ए, डबल जी ए, ऐसे करके, या डबल जी सी, डबल सी जी, ऐसे डबल सी ए या डबल ए सी। तो को पॉलीमर्स में दो दो के सेट करके डबल डबल वाला लिया एक अलग अलग वाले के साथ, तो इस तरीके से को पॉलीमर्स मतलब को मतलब दो डिफरेंट बेसिस को यूज करके, होमोपॉलीमर मतलब सारे बेसिस सेम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? कोडोन्स का कौन सा कोडोन कौन सी अमाइनो एसिड बनाएगा, ये प्रूफ कर रहा था आपका हरगोविंद खुराना। और उसमें ये उसका केमिकल मेथड था कि उसने आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए थे जो कि होमोपॉलीमर्स थे और कोपॉलीमर्स थे नाइट्रोजन बेसिस को यूज करके। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे, एक बार दोबारा से बता दीजिए। जब जॉर्ज गैमो ने क्या बताया, जॉर्ज गैमो ने ये बताया कि 64 कोड्स हैं, ठीक है, 64 कोड्स हैं एक डिफरेंट ट्रिपल नाइट्रोजन बेस की कॉम्बिनेशन है जिससे 20 अमाइनो एसिड से भी ज्यादा अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं, पर नेचर में 20 अमाइनो एसिड ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जॉर्ज गैमो ने दी, बट हरगोविंद खुराना ने इसे केमिकली प्रूफ किया, मतलब केमिकल मेथड एक ऐसा बनाया जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें उसने आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाए हैं होमोपॉलीमर्स के, आरएनए मॉलिक्यूल्स और कोपॉलीमर्स के, यानी कि होमोपॉलीमर्स यानी सेम नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन तीन तीन लेटर के, और कोपॉलीमर्स यानी कि दो डिफरेंट नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन रहेंगे और एक एक क्या कह रहेगा, सेम रहेगा, तो इसे कोपॉलीमर, जहां पे दो डिफरेंट चीजें यूज होती हैं कोपॉलीमर, इस तरह के आरएनए मॉलिक्यूल्स बना रहा था हरगोविंद खुराना। ये पॉइंट क्लियर किया हुआ है कि नहीं हुआ यहां तक? यस मैम। अब मार्शल निरिंगबर्ग ये अनदर साइंटिस्ट था जो कि हरगोविंद खुराना के साथ ही काम कर रहा था। तो मार्शल निरिंबर्ग्स सेल फ्री सिस्टम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिसिफर्ड। तो मार्शल निरिंबर्ग ने क्या किया, इस कोड की मीनिंग ढूंढी। कोड तो बना दिया हरगोविंद खुराना ने, जेनेटिक कोड तो बना दिया उसने, 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तो बना दिए, बट इस कोड से कौन सा कोड कौन से अमाइनो एसिड को कोड वी कैन से इक्वल है, कौन सा कोड कौन से अमाइनो एसिड के लिए बराबर है, या कौन सा कोड किस अमाइनो एसिड को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो निरिनबर्ग ने बताया,
मार्शल निरनबर्ग ने बनाया बताया, उसने सेल्फ्री सिस्टम्स यूज किए, यानी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर उसने प्रोटीन की सिंथेसिस को कोड की मदद से बनाने की कोशिश करी और एक एंजाइम यूज करी, सिवेरो ओका एंजाइम। सो सिवेरो ओका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम है जो क्या करती है, वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। एंजाइमेटिक सिंथेसिस करती है ये आरएनए की। तो सिवेरो ओका एंजाइम भी आरएनए को बनाती है। फाइनली एक चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वॉज प्रिपेयर्ड। दोनों की वी कैन से डिस्कवरीज से, निरनबर्ग की डिस्कवरीज से एज वेल एज हरगोविंद खुराना की डिस्कवरीज से, एक चेकर बोर्ड जैसा बना, एक टेबल जैसा बना जो आपको यहाँ पे भी दिखा रखा है। वो टेबल आपका जेनेटिक कोड का चेकर बोर्ड कहलाया। जैसे कि चेस खेलते हैं, चेस में ब्लैक और व्हाइट बॉक्सेस का एक चेकर बोर्ड होता है, ठीक है, वैसा ही एक पूरा 64 खाने का एक चेकर बोर्ड था जिसमें जेनेटिक कोड लिखा हुआ था। दोनों के डिस्कवरीज ने वो चेकर बोर्ड बनाया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज शेयर करते हैं। ये चेकर बोर्ड आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी के ही हैं ये पेजेस, और इन आपके पास बुक भी है, उनसे आप दोबारा से रीड भी कर सकते हो। फर्स्ट पोजीशन बिल्कुल आपके लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में लिखी हुई है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन बेस UCAG, इस तरीके से लिखी हुई है, फर्स्ट पोजीशन UCAG बेस पेयर का दे रखा है। फिर रो में हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है सेकेंड पोजीशन ऑफ बेस UCAG, ये भी UCAG है। देन लास्ट में राइट हैंड कॉलम में लिखा हुआ है UCAG, UCAG लिखे हुए हैं बार बार रिपीटेड, जो कि आपके 1, 2, 3, 4 वी कैन से आपके उसमें बटी हुई है, रोज में बटी हुई है UCAG, हर एक रो के एंड पॉइंट पे लिखी हुई है। तो अब आप इसको अगर चेकर बोर्ड को कंप्लीट करोगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन से, तो आपको कुछ इस तरीके के कोडोन्स मिलेंगे, 64 कोडोन्स मिलेंगे। पहला पोजीशन आप यहां से उठाओगे यू, सेकंड पोजीशन पे भी फर्स्ट वाले कॉलम में आपको भरना है, और थर्ड पोजीशन में भी फर्स्ट वाला उठाकर फर्स्ट कोडोन बनाना है। तो फर्स्ट कोडोन बन रहा है ट्रिपल यू। समझ में आया कैसे बनाया ट्रिपल यू? यहां से भी फर्स्ट पोजीशन उठाई बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर से, फिर मिडिल से फर्स्ट लेटर उठाया, फिर इधर लास्ट थर्ड पोजीशन से भी फर्स्ट लेटर उठाया, तो फर्स्ट कोडोन बन गया। अब फर्स्ट पोजीशन के लिए ही यू तो फर्स्ट पोजीशन ही रहेगा, पहला। अब सेकंड पोजीशन के लिए आप यू के कॉलम में ही बना रहे हो, तो सेकंड पोजीशन पे यू ही रह रहा है। बट आपका क्योंकि अब आपके नेक्स्ट रो में आ गया है, सेकंड रो में आ गया है ये, तो इसीलिए सी आएगा, लास्ट पोजीशन पे सी आएगा, तो UCC। फिर थर्ड कोडोन बन रहा है WA, फोर्थ कोडोन बन रहा है WG, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट बॉक्स में जो आपके कोडोन बने हैं, चार कोडोन बने हैं, वो ट्रिपल यू बने हैं, WC बना है, WA बना है और WG बना है। मैम, हाँ, जो फर्स्ट वाला है उसमें तो पहले तीनों यू ले लिए, मतलब इधर वाली पोजीशन का भी, मिडिल का भी और लास्ट वाली का भी। और जो सेकंड है उसमें फिर जो इन्होंने जो फर्स्ट पोजीशन वाला यू लिया है, जो इधर लेफ्ट हैंड पे है, फिर इन्होंने ये मिडिल वाला यू लिया है। हाँ, फर्स्ट और फिर पोजीशन, सेकंड पोजीशन का भी यू लिया, थर्ड का सी लिया, ऐसे लिया है। फिर दोबारा से फर्स्ट और सेकंड तो सेम है, बस थर्ड बदला है ए। फिर फोर्थ टाइम पे भी फर्स्ट दो सेम है, यानी कि यू यू डबल यू सेम है, बस
जी चेंज हुआ है, ठीक है। अब इसी का, इसी रो यू का ही सेकंड पोजीशन में सेकंड वाला सी से कॉम्बिनेशन बनाना है। यू के कॉम्बिनेशन सारे ओवर हो गए, अब जब यू से सी का कॉम्बिनेशन बनेगा तो सेकंड पोजीशन पे सारे में सी लेना होगा, यू के बाद सी लेना होगा, ठीक है। अब हम जस्ट जो पहला ब्लॉक कंप्लीट किया उसके फ्रंट वाला ब्लॉक पढ़ रहे हैं। तो यू सी यू पहला कोडोन बना सी को यूज करते हुए सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे तो यू ही रखा, सेकंड पे सी यूज करना है अब, और इधर से एक एक करके सारे यूज करने हैं। पहला कोडोन बनाना है, दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है और चौथा बनाना है। तो यू सी यू सीरीन के लिए कोड करता है, यू सी सी भी सीरीन के लिए कोड करता है, यू सी ए भी सीरीन के लिए कोड करता है, और यू सी जी भी सीरीन के लिए कोड करता है। मतलब जो सेकंड लेटर जब हम सी यूज करते हैं सेकंड पोजीशन पे और फर्स्ट पोजीशन पे यू ही यूज करते हैं और लास्ट पोजीशन तो सब में एक एक करके सारे यूज करने हैं, तो जो सेकंड ब्लॉक बनता है या पूरा सीरीन का बनता है, तो हमें इस तरह से हम याद भी कर सकते हैं इस ब्लॉक को। सो सेकंड ब्लॉक बनता है वो जितने भी कोड होते हैं यू सी वाले, वो सारे यू सी वाले कोड क्या है, सीरीन वाले, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि हमें बहुत डिफिकल्टी होती है चेकर बोर्ड याद करने के लिए, पर अगर आप 3-4 बार ये चेकर बोर्ड ध्यान से पढ़ लोगे, जैसे कि अब ये सीरीन वाले ब्लॉक के नीचे ही वाला देखो, आप सीरीन ब्लॉक के नीचे वाला देख रहे हो आप, इसमें डबल सी वाले हैं सारे कोडोन, तो डबल सी वाले सारे कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, प्रोलीन, ठीक है। तो ऊपर के चार आपको याद होगा कि यू सी वाले सारे सीरीन को कोड करेंगे और सी सी वाले सारे प्रोलीन को कोड करेंगे। तो ऐसे ब्लॉक आपने उठा लिए और उसके जस्ट नीचे वाला देखो, ए सी वाले सारे थ्रियोनिन को कोड कर रहे हैं, THR, 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 दिख रहा है। और उसके जस्ट नीचे वाला देखो जीसी, जीसी वाले सारे कोड एलेनिन को कर रहे हैं। तो ये लाइन तो आपको बिल्कुल ही इजीली याद हो जाएगी कि सेकंड पोजीशन पे जब यू, जब जो यूसी वाले से शुरू होंगे वो सारे सीरीन, जो सीसी से शुरू होंगे वो प्रोलीन, एसी से शुरू हो रहा है थ्रियोनिन और जो जीसी से शुरू हो रहे हैं एलेनिन। मैम जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा या फिर वो कोड चेंज करके दे सकते हैं? कोड चेंज करके भी दे सकते हैं। तो आपको पहले वो ब्लॉक याद कर लो आप, इसमें कई सारे मुझे दिख रहे हैं। देखो एक लास्ट वाले, लास्ट वाली रो में आओ, जी वाली रो में, तो लास्ट वाली रो में भी आपको आर्जिनिन वाला जो सेकंड नंबर वाला है यानी सीजी, पहले तो जीसी पढ़ा था एलेनिन एलेनिन एलेनिन, अब सीजी उल्टा कर दोगे, जब सीजी वाले जो भी होंगे जो फर्स्ट में सीजी होगा जिनमें, वो आर्जिनिन को कोड करेंगे एआरजी, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाओ जी जी, जिसमें डबल जी है, जिसमें डबल जी है वो सारे ग्लाइसिन को कोड कर रहे हैं, लास्ट ब्लॉक सबसे एंड वाला ब्लॉक है जो, ठीक है। और इधर ही सबसे लास्ट वाले में, इसी रो में जब हम इस तरफ चलते हैं, इसी रो के जस्ट 180 डिग्री अपोजिट में आ जाओ, फर्स्ट जी जो है, फर्स्ट पोजीशन वाला जी जो है, उसमें सारे के सारे वेलिन है, ठीक है। तो पहले उन ब्लॉक को याद कर लो जिसमें सारे सेम अमाइनो एसिड्स हैं और इनके फर्स्ट दो लेटर सेम रहेंगे सबके, जैसे जी वाले में भी जो फर्स्ट पोजीशन वाला जी है जिसमें, और सबसे फर्स्ट रो है जो फर्स्ट रो के लास्ट वाला है उसमें जी यू जी यू जी यू जी यू, मतलब जी यू से शुरू होने वाला सारे वैलिन, और ऊपर उसका एक ब्लॉक छोड़ के ऊपर देखोगे सी यू सी यू सी यू सी यू, तो सी यू का ल्यूसीन आ रहा है, ठीक है। अगर कोशिश करोगे तो ऐसी बात नहीं है कि ये आपको 64 कोड याद नहीं हो सकते, क्योंकि सेट में है ये, और पहले दो लेटर ही इसका हिंट है। पहले दो लेटर से अगर आपने याद कर लिया कि पहले दो लेटर जब सेम होते हैं, तो पहले दो लेटर जब सी होगा तो आपको याद रखना है कि ल्यूसीन होगा, जब सी सी होगा तो प्रोलीन होगा, जब सी जी होगा तो आर्जिनिन, जब जी सी होगा तो एलेनिन, जब जी यू होगा तो वेलिन, ऐसे। तो अगर आपको पहले तो आप वो वाले ब्लॉक को याद करो जिसमें चारों कोड एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, फिर जो बाकी बच जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे उसमें आप देख ही रहे हो दो दो का ग्रुप है, दो दो का या तीन तीन का ग्रुप है, जैसे फर्स्ट वाला
सबसे पहले वाला जो हमने डिस्कस किया था यू वाला, उसको देखो, उसमें दो ही अमाइनो एसिड है, ट्रिपल यू से तो फिनाइलएलनिन बन रहा है, डबल यू से फिनाइलएलनिन बन रहा है, और डबल यू ए से ल्यूसीन और डबल यू जी से ल्यूसीन। तो चार में से दो तो फिनाइलएलनिन को कोड कर रहे हैं, दो ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। अब उसके नीचे वाला ही ल्यूसीन वाला ही है, सी यू यू सी यू सी सी यू ए सी यू जी, ल्यूसीन को ही कोड कर रहा है ये। तो ल्यूसीन के टोटल कितने कोड हो गए, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कोड्स ऐसे हैं जो ल्यूसीन को ही कोड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कोई भी ऐसे मतलब कोई भी इसके अलावा कोई भी इतने ज्यादा नंबर ऑफ कोडोन से कोड नहीं होता। ल्यूसीन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कोडोन से कोड हो रहा है, 6, क्योंकि बाकी सब में मैक्सिमम 4 ही जा रहा है, कि मैक्सिमम 4 से कोड हो रहे हैं। कहीं और दिख रहा है ऐसा कि 6 कोड एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, कहीं पे भी नहीं है ऐसा, बट इसमें ही है, बस ल्यूसीन नाम के अमाइनो एसिड में ही है जो 6 कोड से कोड हो रहा है, ठीक है। बाकी सब मैक्सिमम या तो 4 से हो रहे हैं या 3 से हो रहे हैं, और सबसे कम जो कोड कर रहा है, सबसे कम नंबर से जो कोड हो रहा है, वो कौन सा अमाइनो एसिड दिख रहा है यहाँ पे जो सबसे कम नंबर वाले कोड से कोड हो रहा है, देखो तीन है ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ चार दिख रहे हैं। GLN नाम का दिख रहा है आपको, थर्ड रो में देखो GLN, ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं इसको, GLN CAA वाले में देखो, फर्स्ट लेटर C है, सेकंड लेटर A है और थर्ड लेटर A है। तो GLN नाम का अमाइनो एसिड जो है वो सिर्फ दो कोड से कोड होता है। उसके ही ऊपर वाला ब्लॉक में देखो TYR, टायरोसिन, TYR भी दो ही कोड से कोड होता है, और उसके सामने ही देखो UGU, सिस्टीन, CYS, CYS भी दो ही कोड से कोड होता है, UGU और UGC, ठीक है। और सिर्फ ये तो दो दो कोड से कोड हो रहे हैं उसी ब्लॉक में, हम अभी सिस्टीन वाले ब्लॉक में हैं, मतलब फर्स्ट रो का लास्ट ब्लॉक UGU वाला ब्लॉक जो है, तो UGU UGC सिस्टीन नाम का अमाइनो एसिड कोड कर रहे हैं। इसी ब्लॉक में एक ही अमाइनो एसिड ऐसा है TRP अमाइनो एसिड, सिर्फ सिंगल अमाइनो एसिड है जो सिंगल कोड से कोड हो रहा है, और कहीं पे भी TRP नहीं है, सिर्फ इसी ब्लॉक में TRP है। तो ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो सबसे एक ही कोडोन है, जिसका 64 में से सिर्फ एक कोडोन है इसका, UGG। MET भी था ना, AUG में, ठीक है, A ब्लॉक वाला। तो ये एक ऐसा, और भी है कोई बताओ मुझे मैम, MET भी एक ऐसा है, AUG। तो दो ऐसे कोड हमने ढूंढे, एक फर्स्ट पोजीशन पे A वाले पे आओ, थर्ड रो में जो चार कोडोन बने हैं फर्स्ट ब्लॉक में, उसमें लास्ट वाला AUG। तो AUG एक ऐसा कोडोन है जो भी एक ही अमाइनो एसिड बनाता है, MET, मिथियोनिन। और इस कोड, इस अमाइनो एसिड की ये इंपॉर्टेंस है, या इस अमाइनो एसिड का ये स्पेशल पॉइंट है MET वाले का, AUG का, कि दिस इज कॉल्ड इनिशिएटर कोडोन। ये किसी भी प्रोटीन के बनने में सबसे पहला अमाइनो एसिड जो कोड होता है वो होता है MET, और सबसे पहला जो कोडोन ट्रांसलेट होता है वो अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट करता है मिथियोनिन। MET किसकी शॉर्ट फॉर्म है, मिथियोनिन की शॉर्ट फॉर्म है, और AUG उसका कोड है। ये स्टार्ट कोडोन कहलाता है, स्टार्ट कोडोन या इनिशिएटर कोडोन कह दो, ठीक है। अब आप फर्स्ट रो के थर्ड ब्लॉक में आओ, फर्स्ट रो के जब आप थर्ड ब्लॉक में आते हो तो आप उसमें देख रहे हो टायरोसिन वाले अमाइनो एसिड के नीचे दो स्टॉप कोडोन दे रखे हैं, और जस्ट उन दो स्टॉप कोडोन के सामने भी एक और स्टॉप कोडोन दे रखा है, यू वाला, जहां पे यू फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ए की बात हम कर रहे हैं, और थर्ड पोजीशन जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो उस वाले में स्टॉप कोडोन दिख रहा है फर्स्ट रो में ही,
ठीक है, और एक दिख रहा है आपको ए वाले ग्रुप में, दो स्टॉप कोडोन दिख रहे हैं, तो कुल मिला के 3 स्टॉप कोडोन है, ठीक है, देर आर 3 स्टॉप कोडोन, कौन कौन से हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं बताओ मुझे, स्टॉप लिखा हुआ है इनके आगे, दिखे स्टॉप कोडोन, यूजीए, यूजीए लास्ट वाले ब्लॉक का स्टॉप कोड होना है, उसके इस तरफ लेफ्ट, यू ए ए, यू ए जी, यू ए ए एंड यू ए जी, ए जी, ठीक है, तो 64 में से 3 ऐसे होते हैं कोडोन जो स्टॉप कोडोन होते हैं, एक ऐसा कोडोन होता है जो इनिशिएटर होता है जो कि एयूजी है, मैंने अभी बताया एयूजी इज इनिशिएटर कोडोन, और 3 ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते जो कि स्टॉप कोडोन होते हैं, क्या होते हैं स्टॉप कोडोन। तो अब यहां तक हमने डिस्कस कर लिया जेनेटिक कोड का, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, अब जो मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, उसके ऊपर श्योरली क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाला पेज जो देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके पॉइंट जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं, कोडोन ट्रिपलेट होता है, पहला फीचर ये है 61 कोड अमाइनो एसिड्स को करते हैं, और 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, तो वो किसकी तरह काम करते हैं, वो ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं, जहां पे भी वो कोडोन आ गए यू ए ए, यू जी ए एंड यू ए जी, तो ये वाले 3 कोडोन ऐसे हैं जो स्टॉप कोडोन कहलाएंगे, यहाँ पर जैसे ही mRNA में ये कोड आया वैसे ही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और इन तीनों को छोड़कर बाकी 61 जो होंगे वो किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि 6-6 कोडोन या एक से ज्यादा कोडोन से कोड हो रहे हैं, हेंस कोड को क्या कहते हैं, डीजेनरेट कहते हैं, यानी कि डिफरेंट कोड का सेम मीनिंग भी हो सकता है, यानी डिफरेंट कोड का जो वैल्यू है वो सेम है, डीजेनरेट का मतलब यही होता है, समझ में आया, द कोडोन इज रेड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस मैनर, कंटिन्यूअस बोलो या कंटिन्यूअस फैशन बोलो, कोडोन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, जैसे अभी अभी हमने देखा यू ए ए, यू जी ए, ये सब कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, जी जी सी, सी सी ए, ऐसे तो कोडोन हमेशा कंटिन्यूअस लिखे जाते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन, उनमें कोई भी क्वेश्चन मार्क, उनमें कोई भी कॉमा, ये सब नहीं होता, पंक्चुएशंस नहीं होती है, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, कोड यूनिवर्सल रहेगा, जो कोड आपका एक फिनाइल एलिनिन को, जैसे ट्रिपल यू फिनाइल एलिनिन को कोड करता है, बैक्टीरिया में भी फिनाइल एलिनिन को कोड करेगा वो, और ह्यूमंस में भी, किसी एलिफेंट में भी, किसी एंट में भी, हर ऑर्गेनिज्म में अर्थ पे ये सेम ही कोड करेगा, ट्रिपल यू का मीनिंग फिनाइलएलानिन ही होगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि ऑर्गेनली के कोडोन्स, ऑर्गेनली में जैसे आपको पता है कि खुद के डीएनए होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए खुद होता है, किसी किसी प्रोटोजोआ में देखा गया है कि कोड का मीनिंग अलग हो सकता है, सिर्फ इस एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी अर्थ पे सारे न्यूक्लियस के जो डीएनए वाले कोड्स हैं वो सारे सेम ही मीनिंग वाले होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कोड्स में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स। अब फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है एयूजी के 2 फंक्शन होते हैं, एयूजी मिथियोनिन के लिए कोड करता है, मिथियोनिन अमाइनो एसिड बनाता है एयूजी, और ये इनिशिएटर कोडोन की तरह भी काम करता है, यानी कि जो सबसे पहला कोडोन ट्रांसलेट होगा और सबसे पहला अमीनो एसिड जो लगेगा वो क्या होगा, मिथियोनिन। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है यूएए, यूएजी एंड यूजीआर स्टॉप टर्मिनेटर कोडोन्स, ये तीनों क्या हैं आपके, टर्मिनेटर कोडोन्स, ठीक है, तो ये सिक्स पॉइंट्स हैं, ये सिक्स पॉइंट्स एज सच ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोड बीइंग डीजेनरेट,
आप क्या समझते हो कि कोड डी जनरेट होता है, जेनेटिक कोड डी जनरेट होता है, तो आप क्या बताओगे इसमें? क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोड इज डी जनरेट? कैसे बताओगे इसका मीनिंग? क्वेश्चन आता ही है इन छह पॉइंट में से किसी ना किसी पॉइंट पे. व्हाट डू यू मीन बाय कोड इज यूनिवर्सल? What do you mean by initiator codon? What do you mean by stop codon? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या लिखोगे इनमें? डीजनरेट का आपको दिख रहा है सेकेंड पॉइंट में कि आपको ये बताना है कोड इज डीजनरेट, दैट मीन्स दैट सम अमाइनो एसिड्स आर देयर विच आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स, मीन्स कोड्स have equal value. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो ल्यूसीन वाला ही. जैसे मैंने बताया था ल्यूसीन ऐसा कोड था, अमाइनो एसिड था, जो छह छह कोडोन से कोड हो रहा था. ठीक है, और कुछ या तो अगर इसको नहीं देना तो कोई और ऐसा दे सकते हो जो चार कोडोन से कोड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि चार या एक से ज्यादा कोडोन से कोड होते हैं. तो ये मीनिंग होता है डीजनरेट का. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. What do you mean by code is in without punctuation? Code is without punctuation. तो इसका क्या मीनिंग है कि it will be read in a continuous fashion. It will be read, उसे पढ़ा जाएगा continuously mRNA में without any comma, without any, it is comma less. ऐसा भी करके आ सकता है. What do you mean by the code is, genetic code is comma less. Comma less मतलब without any punctuation. Comma क्या होता है English language में? हम punctuation को ही तो बोलते हैं, comma, full stop, question mark, exclamation, ये सब क्या है? Punctuations होती हैं. ठीक है. And what do you mean by it is universal? That means it, if one code is coding, like triple U is coding phenylalanine amino acid in bacteria, then it will be code, this will code for phenylalanine every organism on earth. Har organism ke liye triple U phenylalanine hi code karega, chahe wo kaisa bhi organism ho. Prokaryotic ho, eukaryotic ho, small organism ho, big organism ho, sab mein triple U phenylalanine hi code karega. Theek hai? Clear hua? और इनिशिएटर कोडोन कौन सा है? कौन सा स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है? एयूजी आपका स्टार्ट कोडोन होता है. और वो कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है? मिथायोनाइन या मिथियोनिन. ठीक है, अब स्टॉप कोडोन किने कहते हैं और कितने नंबर में होते हैं ये? कितने, देयर आर हाउ मेनी स्टॉप कोडोन्स एंड व्हाट आर दोस? UAA, UAG, UGA. इस तरीके से हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से वन या टू मार्क का क्वेश्चन श्योर है, बोर्ड में हमेशा आता है. ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं.